तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ LG का 2.1 होम थिएटर। ये इसका मॉडल है एक्स बूम बास बूस्ट प्लस। तो इसकी प्राइस आपको ऑनलाइन 3500 से 4000 के बीच में मिलेगी, लेकिन ये मैंने सेल में लिया है। कितने में लिया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये 40 वाट का स्पीकर है, इसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है और भी बहुत कुछ है। तो इसका रिव्यू करते हैं, लेकिन रिव्यू के पहले देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका बॉक्स पैक है। बॉक्स पैक में बहुत ही सिंपल सा बॉक्स इसमें दिया गया है और यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस पावरफुल सराउंड साउंड। ये सराउंड साउंड के साथ आता है, 2.1 चैनल में है ये। इसमें आपको USB मिल जाता है, FM रेडियो मिल जाता है, ऑक्सिन मिल जाता है, SD कार्ड और रिमोट कंट्रोल है। साथ में ये ब्लूटूथ वाला भी है, तो ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। इस साइड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा इसके प्राइस को लेके, मेड इन इंडोनेशिया है और प्राइस इसकी 4999 यहाँ पे MRP है, लेकिन ये आपको आराम से इजिली 3500 के आसपास मिल जाएगा। तो अनबॉक्सिंग के पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे, मेरा रिव्यू अच्छा लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। और ये प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना हो तो Amazon और Flipkart का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखो इस तरीके से इसका पैकेजिंग है। तो ये सब कुछ है इसका बॉक्स पैक में। बॉक्स पैक में अब कुछ नहीं है, खाली है, तो मैं इसे हटाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पैकेजिंग किया गया है। यहाँ पे स्ट्रैप किया गया है, ये जो भी थर्मोकॉल है इसमें प्रोटेक्शन के लिए। और सबसे पहले हमें मिलता है ये यूजर मैनुअल, इसे साइड में रखते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें रिमोट मिल जाता है, रिमोट देखो आप, इस तरीके का रिमोट है। उसके बाद हमें इसका पावर कॉर्ड मिलता है, ये देखो। ये इसका पावर कॉर्ड है कुछ इस तरीके का। दो बैटरी आपको मिल जाते हैं AAA के। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली ये निकल आता है, ये देखो निकल गया। इसे सीधा करते हैं, ये देखो, ये है हमारा सैटेलाइट यूनिट पहला वाला। इसे ओपन करते हैं। पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप, ये देखो कुछ इस तरीके का है। लुक भी बहुत ही अच्छा, अभी तो फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से अच्छा है। ये प्लास्टिक का है, यहाँ पे रेड का हाईलाइट दिया गया है। इसके वायर में भी आप देख सकते हो रेड और ब्लैक का यूज किया गया है। ये जो कॉम्बिनेशन है वायर में भी साथ में है और ये जो यूनिट है सैटेलाइट यूनिट इसमें भी है, तो ये अच्छा लग रहा है और कलर इसके अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों ही मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। देखो ये दो यूनिट हो गए। उसके बाद ये है इसका मेन सबवूफर, तो दोस्तों ये मैंने जो पूरा यूनिट है वो सारा ही अनबॉक्स कर लिया है। तो ये दोनों में 3.5 इंच के स्पीकर है 10-10 वाट की, और ये है 5.1 इंच का 20 वाट का, तो हो गया टोटल 40 वाट। तो 40 वाट का इस पे टोटल RMS है, आउटपुट है इसका। तो आप ये गलती मत करना समझने का कि ये जो 40 वाट का है तो ये थोड़ा कम पावरफुल होगा। आगे मैं इस वीडियो में आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा और कितना लाउड है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देख लें। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा था कि इसमें आपको मिलता क्या क्या है। तो सबवूफर यूनिट में यहाँ पे आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये फंक्शन बटन है, वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है, ट्रैक चेंज का बटन है, प्ले पॉज का बटन है, बेस को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस और प्लस का यहाँ पे बटन दिया गया है। ऊपर में यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दिया गया, अगर आपको पेन ड्राइव में कोई भी MP3 सॉन्ग डालकर बजाना है तो उसके लिए है। ऑक्सिन पोर्ट है इसमें। इसके जो बॉक्स पैक है, बॉक्स पैक में मुझे ऑक्स का केबल नहीं मिला है, तो वो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। एटलीस्ट LG वालों को ये एक ऑक्सिन केबल तो देना ही चाहिए, 50 रुपए के आसपास का आता होगा, वो प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको फंक्शन दिख जाएगा कि कौन से मोड में ये अभी है, और ये है SD कार्ड का। अब मैं आपको इसे पीछे दिखाता हूँ। पीछे में ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड जाएगा, ये इसका रेडिएटर दिया गया, बेस रेडिएटर, ये एंटीना के लिए दिया गया है, ये वायर FM मोड होगा इसीलिए। ये आउटपुट का पोर्ट जा रहा है, जिसमें कि नीचे वाले जो पोर्ट्स हैं वो लेफ्ट और राइट का चैनल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ्रंट स्पीकर्स, तो यहाँ पे फ्रंट राइट होगा और ये यहाँ पे जाएगा फ्रंट लेफ्ट। और ऊपर में ऑक्सिन का पोर्ट है, अगर आप
टीवी से इसमें चलाना चाहते हो तो इसमें आप ऑक्सीजन से चला सकते हो। ये जो है ये बना हुआ है वुड का है, तो ये तो इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बट अगर ये भी वुड का होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो फटाफट इसे ऑन करते हैं और मैं आपको कुछ म्यूजिक सुनाता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल सके कि इसका बेस कैसा है, ट्रेबल कैसा है और क्वालिटी कैसा है इसका साउंड का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका रिमोट देख सकते हो, रिमोट कुछ इस तरीके का है, इसमें बटन्स हैं, छोटा है, हैंडी है, हाथ में बहुत ईजिली आ जाता है, ड्यूरेबल भी लग रहा है, बटन से इसमें, तो अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे भी बटन है, इसे क्लिक करके आप ऑन कर सकते हो। जैसे देखो ये ऑन हो गया, यहाँ पे आ रहा होगा हेलो। मैंने जो अब इसमें जो लास्ट मोड पे मैंने इसे बंद किया था, मैंने इसे बंद किया था ब्लूटूथ वाले मोड पे, तो ये अभी ब्लूटूथ वाले मोड पे ही चला गया होगा। तो दोस्तों फुल वॉल्यूम की बात करें तो ये देखो आप 40 तक, मतलब 40 लेवल जो है इसका फुल है। तो मैं आपको जो म्यूजिक सुनाने वाला हूँ वो अभी मैं सुनाता हूँ आपको 20 लेवल पे, ठीक है। मैंने इसे 20 लेवल पे कर दिया है, फंक्शन क्लिक करके आप इसे ब्लूटूथ पे कर सकते हो अगर ब्लूटूथ मोड नहीं है तो। मोड इस पे बताया मैं कौन कौन सा मोड है, यहाँ पे आप देखो ये है FM का मोड, उसके बाद USB का मोड, SD कार्ड का मोड और ऑक्स का मोड है, केबल मोड है और ये है ब्लूटूथ मोड। तो ब्लूटूथ मोड में करके आप अपने स्मार्टफोन में आप ब्लूटूथ ऑन करें, ब्लूटूथ में सर्च करते हैं आपको यहाँ पे आ जाएगा LG के LK72B कनेक्टेड हो गया है, ओके करते हैं। उसके बाद आप, मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ वो आप सुनो। अब ये जो म्यूजिक बज रहा है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बेस है वो थोड़ा ज्यादा है, तो बेस आप यहां से कम कर सकते हो या फिर यहां पे भी बटन है लास्ट में, तो मैं इसे बेस का वॉल्यूम आप देख रहे हो यहाँ पे बेस मैंने कर दिया है हाफ पे, तो अभी ये बेस हाफ है, अब मैं सुनता हूँ। अब मैं आपको इसका जो फुल वॉल्यूम है वो करके दिखाता हूँ, बेस हाफ ही रहने देता हूँ, बेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसका फुल वॉल्यूम है, अब प्ले करता हूं। तो ये था इसका साउंड क्वालिटी, इनिशियल इंप्रेशन में तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही सही है और फुल वॉल्यूम पे भी ये फट नहीं रहा है, सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो यही है। और ये मेरे ख्याल से ये 50 से 60 वाट का जो स्पीकर आता है उतना ये लाउड है, और क्वालिटी भी जो इसकी है वो बहुत ही अच्छी है, आपने भी देखा फुल वॉल्यूम पे ये फट नहीं रहता। और फीचर्स की बात करें तो फीचर्स तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही पोर्ट्स आपको इसमें मिलता है, बस इसमें आपको HDMI का पोर्ट नहीं मिलता है। तो ये था मेरा रिव्यू LG का 2.1 होम थिएटर का, होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इन डेप्थ वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी चैनल पे इसका रिव्यू आने वाला है फुल रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।